नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों बहुत ही बड़ी भर्ती दीपावली के शुभ अवसर पर लिए लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है सभी सभी कैंडिडेट्स को जो यूपी पुलिस में या पुलिस या देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की फिर से बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट आई हुई है आपके सामने। आप लोगों को पता होगा 51,000 पोस्ट आई हुई है, कम नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पोस्ट आई हुई है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी। अभी जल्दी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी, अभी वो फाइनल हो भी नहीं पाया था, पेपर लीक हो गए थे, कुछ और चांसेस हुए थे जिसकी वजह से आपका पेपर कम्प्लीट नहीं हो पाया था फॉर्म। अभी उसका 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले ही बता दूँ आपको एक वैकेंसी फिर से यूपी पुलिस की आ चुकी है। ये मैं अपने मन से नहीं बल्कि आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, कहाँ से लिंक एक्टिवेट होगा, कैसे अप्लाई करना है सब बताऊंगा आपको। दोस्तों वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहें। दोस्तों आगे बात करता हूँ फॉर्म के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फेज सेकेंड ऑनलाइन फॉर्म। फेज फर्स्ट आपका हो चुका है, फेज सेकेंड की बात करने वाला हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बने बेल आइकन को दबाना दोस्तों, ताकि सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आज तक पहुंच सके। दोस्तों अगर ऐसा आप करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही जल्दी डेली अपडेट्स मिलने वाले हैं, जितने भी जॉब्स की नई नोटिफिकेशन मैं आपको बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बात करता हूँ पूरी वैकेंसी के बारे में दोस्तों, चलिए ले चलता हूँ फॉर्म के आगे फॉर्म की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। ये देखिए यहाँ पे आपके साफ साफ लिखा हुआ है मेल फीमेल कांस्टेबल फेज सेकंड रिक्रूटमेंट 2018। आगे बात करता हूँ दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसके। दोस्तों ये एग्ज़ाम ये आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगा 1 तारीख से, 1 तारीख को जो है 1 नवंबर को जो है आपका फॉर्म अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप फॉर्म को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे फॉर्म का आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप। लास्ट डेट इसका दोस्तों 30 नवंबर है, मतलब आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिलेगा दोस्तों। जो भी इसके इच्छुक हैं, जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की या भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई करके एक अच्छी जॉब, एक सुनहरा मौका उनके सामने है दीपावली के शुभ अवसर पर, ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। आगे बात करता हूँ फीस के बारे में। देखिए यहाँ जनरल ओबीसी सबकी फीस सेम रखी गई है, जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी के साथ कोई वरीयता नहीं किया गया है, कोई भेदभाव की बात नहीं की गई है, सबके लिए फीस सेम रखा गया है, 400 रुपये, मात्र 400 रुपये फीस है दोस्तों। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अप्लाई कीजिएगा। ये देखिए वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले बताया 51,216 पोस्ट आए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, पिंक कलर से आपके सामने लिखा हुआ मिल रहा है दोस्तों, ये 51,216 पोस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की आई हुई है दोस्तों। बात करता हूँ सिविल पुलिस की और रिजर्व टेरिटोरियल आर्म की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3200 जो पोस्ट है वो कांस्टेबल सिविल पुलिस की है, और वहीं 19,216 पोस्ट जो है वो कांस्टेबल इन रिजर्व टेरिटोरियल आर्म के लिए है दोस्तों। एज लिमिट की बात करता हूँ तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 22 साल लिया गया है दोस्तों, फीमेल के लिए 18 से 25 साल, उनको 3 साल की छूट दी गई है, और ये कैलकुलेट होगा आपका 1/7/2018 से। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी केवल और केवल इंटर पास मांगा गया, अगर आप इंटर पास किए हुए हैं दोस्तों इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करता हूँ फिजिकल एलिजिबिलिटी, फिजिकल क्योंकि पुलिस की भर्ती आप देखने जा रहे हो तो फिजिकल कंडीशन की बहुत जरूरी है दोस्तों, फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज बात करूँगा आपसे मैं, देखिए सबसे पहले मेल की बात करता हूँ, जनरल ओबीसी एससी के लिए जो हाइट आपकी है वो हाइट चेस्ट और रनिंग, 3 चीज़ कंपलसरी है, हाइट चेस्ट और रनिंग। हाइट जो आपकी है 168 सेंटीमीटर जनरल के लिए है, और जो है मेल की एसटी की बात करता हूँ वो 160 सेंटीमीटर है, और बाई चेस्ट का चेस्ट की बात करता हूँ मेल के लिए तो 79 से 84 सेंटीमीटर है, और जो है एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर है। और वहीं रनिंग का प्रोसेस दोनों का सेम है, चाहे वो एससी एसटी जनरल ओबीसी कुछ भी हो, सबके लिए सेम रनिंग का प्रोसेस है, 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, मतलब 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है आपको दोस्तों। इसलिए जो लोग फिजिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिजिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें दोस्तों, बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है चुनाव से पहले ये वैकेंसी क्लियर कर देनी है इनको। यूपी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा लेके आया है आपके लिए, खासकर उन कैंडिडेट के लिए जो यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। बात करता हूँ फीमेल की, तो फीमेल जनरल ओबीसी एससी की जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर रखा गया है, वहीं फीमेल एसटी की बात करता हूँ तो उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर ली गई है, उनके चेस्ट का कोई मतलब नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, कुछ भी चलेगा, 2.4 किलोमीटर इन 40 मिनट आपकी रेस होनी चाहिए दोस्तों। दौड़ की बात करता हूँ तो फीमेल की 2.4 किलोमीटर इन 40 मिनट, 2.4 किलोमीटर जो है दौड़ना है 14 मिनट में दोस्तों। आगे बात करता हूँ दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में, तो मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स का अप्लाई कहाँ से होगा वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लिंक 1 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ से ओपन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों।
तो अगर अभी आप इसके इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों जल्दी जल्दी फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। 1 तारीख से फॉर्म एप्लीकेशन डेट है, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में बात कर लूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट में सिलेबस लिखें, और नहीं तो आप अगर दोस्तों आप सिलेबस खुद डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा मुझे, या फिर आपको मेल पर रिप्लाई दे दूँगा मैं, मेल कर दीजिएगा मुझे। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर से कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मेरी जानकारी संतुष्ट हैं तो वीडियो को जहाँ जहाँ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।